जरूर कहना चाहूंगा माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय राष्ट्रपति जी से और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कि इसको आध्यात्मिक रूप से भी देखें कि अगर इतने सारे लोग 6 करोड़ लोग उनको आज की डेट में भी सुबह शाम रात दोपहर नाम जपते हैं तो मतलब 2 लोग या 4 लोग या 10 लोग जो गलत कहने वाले हैं उनकी तो कोर्ट मानता है, उनकी तो एविडेंस चलती है, लेकिन 6 करोड़ लोगों की कोई एविडेंस नहीं है। नमस्कार सर, आपका नाम? देवेंद्र सिंह इंसान। देवेंद्र सिंह, आप कहाँ से हैं? मैं द्वारका दिल्ली से। सर आप क्या काम करते हैं? मैं प्राइवेट सेक्टर में जॉब करता हूँ, एक्सपोर्ट लाइन में। यह राम नाम की चर्चा की गई है, जो भगवान नाम की जो चर्चा की जाती है, कुछ धर्मों में कीर्तन बोलते हैं, कहीं पे कुछ बोलते हैं, ये राम नाम की चर्चा है, उसके लिए लोग इकट्ठा हुए हैं। और ये यहाँ पे जितने भी लोग इकट्ठा हुए हैं, ये राम नाम की ताकत है। ये संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा का जो आध्यात्मिक शक्ति है, ये उसका एक नमूना है। हर जगह जो ये नाम चर्चाएं की जाती हैं, पूरे हिंदुस्तान में, पूरे विश्व लेवल पर जो ये नाम चर्चाएं की जाती हैं, भगवान नाम का गुणगान किया जाता है, सिर्फ उस ईश्वर अल्लाह राम को ही गाया जाता है और कोई ऐसे अलग से कुछ गुणगान नहीं किया जाता। तो ये उसी संबंध में एक नाम चर्चा, एक भगवान का नाम यहाँ पर लिया गया, भगवान का गुणगान किया गया। जी, जैसा आपने बताया भगवान का यहाँ नाम लेते हैं लोग, मीडिया ने जैसा दिखाया है कि संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा, उन्हें कई सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया गया, यहाँ तक कि उन पे ऐसे आरोप लगाए गए जिसको आज तक भी संगत नकारती है, तो क्या ऐसा कारण है कि आज भी यहाँ पर इतने लोग इकट्ठे हुए हैं और आज भी एकजुट होकर उनकी दिखाई हुई शिक्षा को पालन करते हैं? जो लोग ऐसा सोचते हैं और उनको नकारते हैं और इतना गलत सलत दिखाया गया है, ये सब माया रानी का खेल है। और जो नशा माफिया या दूसरे जो एंटी तत्व हैं, जो एंटी लोग समाज में इकट्ठा हैं, जो हैं इस तरह के लोग पैदा हुए हैं, वो उन लोगों का अपना एक कारनामा है। लेकिन राम का नाम ना तो कभी मिटा है ना मिटेगा, ना वो राम के नाम का कभी गुणगान ख़त्म हो सकता है। तो जो संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान हैं, उन्होंने 134 मानवता भलाई के कार्य किए हैं। उनमें कुछ कार्य ऐसे हैं कि आज तक जितने भी संत हुए हैं धरती पर, उन्होंने किसी ने भी, जैसे एक वेश्यावृत्ति है, वेश्यावृत्ति पर संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान ने बहुत बड़ा काम किया है। शायद 20 से 25 लड़कियाँ हैं जो गलत जगहों से निकाला है उनको, और अच्छे घरों में उनकी शादियां हुई हैं, आज वो अच्छी तरह से फल फूल रहे हैं, उनके घर में उन बच्चे हैं, उनकी फैमिली है, उनको बहुत रेस्पेक्ट दी जाती है। तो ये सब आज तक जितने भी संत हुए, आज तक किसी संत ने कहा तो सही, किताबों में तो लिखा, अपना डायरी तो लिखी कि जी वैश्यावृत्ति नहीं होनी चाहिए, ये काम गलत है, लेकिन किसी ने इसमें आगे बढ़ के कोई कदम नहीं उठाया। तो ऐसे ऐसे जो 134 कार्य किए हैं तो गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान ने किए हैं, तो जो ये ऐसे एंटी एक्टिविस्ट हैं, जो सामाजिक तत्व नहीं हैं, जो गलत काम करने वाले हैं, नशा माफिया हैं, इस तरह का प्रोस्टिट्यूशन चलाने वाले जो हैं, इस तरह के जो वैश्या घर चलाने वाले हैं, इन लोगों को दिक्कतें होंगी, उन लोगों ने आगे से आगे पैसा दिया होगा, इसलिए ये सब कुछ हुआ। बाकी जो सही काम कराता है, आज तक जितने भी संत हुए हैं, उनको सबको सरकार के साथ या ऐसे लोगों के साथ जूझना पड़ा है, वही आज हुआ है, कोई नई बात तो हुई नहीं है। तो काफ़ी सराहनीय है आपका इतना फेथ उनमें। आपको क्या लगता है कितनी ज़रूरत है आज के समाज में, आज के टाइम पे गुरुजी की? गुरुजी की जरूरत तो 100% है, और वो आज भी शारीरिक तौर पे भले ही वो वहाँ पे हैं जहाँ सरकार चाहती है, लेकिन वो जहरा तौर पे अपने आध्यात्मिक तौर पे सबके साथ हैं। जितनी भी संगत यहाँ आती है, सिरसा आती है, वो सबके साथ हैं। सिरसा में जाके देख लीजिए, बरनावा में जाके देख लीजिए, यहाँ के देख लीजिए, जो एंटी एक्टिविस्ट हैं, जो एंटी लोग हैं, वो ये समझें, अब उनको ये समझ जाना चाहिए कि अगर इतने लोग जब जहाँ गुरुजी नहीं हैं सिरसा में जाते हैं, बरनावा में जाते हैं, यहाँ पर आते हैं, तो आते हैं तो उनकी जो स्पिरिचुअल पावर है वो उनको खींच के लाती है। सब अपनी जेब से पैसा खर्च करते हैं, अपना टाइम यूज़ करते हैं, अपना काम छोड़ के आते हैं, तो ये सतगुरु की एक परमात्मा की ताकत है जो खींच के लाती है। ये इंसान के बस का नहीं है, एक इंसान तो 5 लोगों को इकट्ठा नहीं कर सकता, तो ये इतने सारे लोग कैसे हो जाते हैं? तो जो लोग हैं जो कटघरे में खड़ा करने वाले हैं, जो गलत बोलने वाले हैं, वो ये समझें, ये बात उनको समझ आ जानी चाहिए, नहीं तो राम नाम से टक्कर लेना या भगवान से टक्कर लेना मामूली बात नहीं है। अगर कोई ऐसे छोटी मोटी हस्ती होती तो अब तक तो ख़त्म हो चुका होता, कौन आता? लेकिन ये उनकी स्पिरिचुअल पावर है, उनकी आध्यात्मिक शक्ति है, वो जो खुद परमात्मा रूप में जो वो पैदा हुए हैं, वो ताकत काम कर रही है, इसीलिए लोग आ रहे हैं। जरूर कहना चाहूँगा माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय राष्ट्रपति जी से और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कि इसको आध्यात्मिक रूप से भी देखें कि अगर इतने सारे लोग, 6 करोड़ लोग उनको आज की डेट में भी सुबह शाम रात दोपहर नाम जपते हैं, तो
मतलब दो लोग या चार लोग या दस लोग जो गलत कहने वाले हैं उनकी तो कोर्ट मानता है, उनकी तो एविडेंस चलती है, लेकिन 6 करोड़ लोगों की कोई एविडेंस नहीं है, 6 करोड़ लोगों की कोई नहीं सुनी जा रही। तो जिसको मतलब 2 करोड़, मतलब 2 आदमी ज़्यादा हैं, 10 आदमी ज़्यादा हैं, 6 करोड़ लोग कम हैं, तो 6 करोड़ लोगों के सुने, 6 करोड़ लोगों से बात करें, उनका अगर उनसे परिचय करना है, उनसे साक्षात्कार करना है, तो वो अपनी टीम बनाए, साक्षात्कार के लिए भेजें। ये नहीं कि CBI भेज दी, CBI जिसको उठाया उसको अंदर कर दिया, जिसको उठाया उसको वहाँ उठा के ले गए, तो वो काम तो गलत है ना। ये तो एक ताकत है, ताकत तो कुछ भी कर ले, मेरे को उठा के ले जाए, किसी को भी उठा के ले जाए। लेकिन बात ये है ना कि जब 6 करोड़ लोग आज की डेट में भी नाम जपते हैं सुबह शाम, वो हमारे साथ ना होके फिर भी वो हमारे काम करते हैं, तो क्या एक सामान्य इंसान का नाम जपने से कुछ होगा? क्या एक कोई आध्यात्मिक ताकत होगी, कोई शक्ति होगी, उसके नाम जपने से कुछ हो सकता है? और उसके नाम जपने से हो रहा है, ये सरकार को भी समझना चाहिए, कोर्ट को भी समझना चाहिए, माननीय राष्ट्रपति जी को भी समझना चाहिए, और जो दूसरी संस्थाएं हैं उनको भी समझना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद देवेंद्र जी आपका। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, काफ़ी सवाल हैं इनके, और बहुत ऐसे सवाल हैं इनके जैसे 6 करोड़ और लोगों के जो कि बाबा राम रहीम के अनुयायी हैं। ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, हम जाएंगे लोगों के बीच और ऐसे ही उनके सवाल आपके सामने लाकर पेश करेंगे। थैंक यू।